अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल टू वर्ल्ड विद टेस्ट। आज हम आपके लिए बड़ी स्पेशल चीज है जो सबको पसंद है, किसी को पसंद ना हो ये हो नहीं सकता। तो हम बना रहे हैं मैंगो का मीठा, यानी कि आम का मीठा, और वो भी सीजन हो तो आम ना खाए जाएं तो ये नामुमकिन सी बात है कि आम ना खाए जाएं। तो थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में मैंने इसको आम का मीठा बनाया है। तो पहले मैंने मैंगो की पूरी निकाली एक बॉल में, और उसके अलावा मैंने कुछ आम उसके क्यूब्स काटे, और साथ में मैंने व्हिप क्रीम मैंने बनाई है। तो व्हिप क्रीम के साथ हम आज आम का मीठा बना रहे हैं। तो चलें कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे ये मैंगो क्यूब्स, जो कि मैंने काट के इनको फ्रीज कर दिया था ताकि जब ये ठंडा ठंडा खाएं तो ज़रा मज़ा आए। ठंडे क्यूब्स आम का खाने का मज़ा ही अलग है। पहले मैं ये डालूंगी। और फिर उसके बाद मैं ये, अच्छा प्यूरी मैंने बनाने के टाइम मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी डाली है, थोड़ा सा इसको टेस्ट जो है ना इसका बढ़ाने के लिए किया है। बाकी आपकी मर्जी है कि आप इसको डालें या ना डालें। मैंने रफ सा इसकी पूरी बनाई है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं की, बहुत ज़्यादा पीसा नहीं है ये देखें, ताकि आम का टेस्ट और मज़ीद ज़्यादा आए। तो ये मैं सारी आम की पूरी इसमें डाल दूँगी। अपने टेस्ट के हिसाब से आप चीनी डाल सकते हैं, अगर ना डालना चाहें तो ना डालें, कोई ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। झटपट सी रेसिपी है, घर में मेहमान आ रहे हों, जैसे जल्द आप ये बना लें। और हमारे यहाँ तो सबको ये पसंद है, जो आने वाले लोग होते हैं उनको भी पसंद आती है, तो मुझे यकीन है कि आपको भी पसंद आएगी। इस तरह क्रीम लगा के या जैसे आपको अच्छा लगे, उसके बाद ये जो बचे हुए क्यूब्स हैं मैंगो के उस तरह रखते हैं, तो इसमें और ज़्यादा मज़ेदार लगेगा ये खाने में भी और देखने में भी, क्योंकि देखने में अगर अच्छा लगे तो खाने का भी दिल करता है। वैसे तो आम ऐसी चीज़ है कि किसी का दिल ना हो खाने का तो नामुमकिन सी बात है। तो ये था झटपट सा आम का मीठा जो 5 मिनट में बनेगा और बहुत मज़ेदार और सबका पसंदीदा। तो ज़रूर बनाइए इसको, ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे यकीन है कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो ज़रूर देखें ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी, मुझे यकीन है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, और पसंद आए तो ज़रूर मुझे बताइएगा। तो इंशाल्लाह फिर दोबारा हाजिर होंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।